भाई महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं इसी ट्रिक का यूज करके। अगर आपको नहीं पता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये ट्रिक 100% वर्क करता है और इसी ट्रिक का यूज करके देखिए काफी लोग ऐसे हैं और काफी चैनल ऐसे हैं जो कि अच्छे खासे पैसे। गाइज कॉपी पेस्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉपी पेस्ट करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं और 3 ट्रिक बताऊंगा विद ट्रिक के साथ, ट्रिकों में भी ट्रिक, जो कि 200% वर्किंग है भाई। इस ट्रिक का अगर आप यूज करते हो ना तो आप 100% अर्निंग कर सकते हो, पैसा ही पैसा हो गया। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना ही आपको अपना फेस दिखाना है और ना ही आपको अपना वॉइस देना है। आपको क्या करना है, बस दूसरे की वीडियो डाउनलोड करना है, देन उसको अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड करना है। वो कैसे करना है? अब ये मत बोलिएगा कि उसमें भी मेहनत नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, बस आपको एक छोटा सा ट्रिक यूज करना होगा। और भाई इसी ट्रिक का यूज करके देखिए लाखों लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, बस आपको जानकारी नहीं है, बस आप में जानकारी का कमी है। तो आज के इस वीडियो में इन सारे वीडियोज का राज और पोल जो है ना मैं खोलने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा प्रॉब्लम को अच्छे से जानते हैं। इस वीडियो में आपको 3 तरीका बताऊंगा, अगर तीनों में से कोई भी तरीका जो आपको पसंद आए, अगर आप उसका यूज करते हो ना, तो आपके जिस प्रकार से व्यूअर्स बढ़ेंगे उसी प्रकार से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। देखिए तीनों ट्रिक है, एक दूसरे से लिंक है, इसलिए तीनों को देखना जरूरी है और सबसे लास्ट वाला तो भाई रामबाण है। तो देखिए सबसे पहला ट्रिक है जो कि देखिए इसमें आपको अच्छे से समझना होगा। सबसे पहला ट्रिक में बात कर लेते हैं कि देखिए जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, जैसे कि संदीप महेश्वरी सर हो गए, विवेक बिंद्रा सर हो गए, खान सर हो गए, कपिल शर्मा हो गए, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर है जो कि अपने चैनल के ऊपर मीटअप करते हैं, ठीक है, मीटअप के दौरान क्या होता है कि एक यहां पे बैठे हैं, एक यहां पे बैठे हैं और उधर ऑडियंस है जो कि उन दोनों से क्वेश्चन पूछेगा और उन दोनों आपस में उन क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो भैया जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर है, यूट्यूबर है या फिर लाइव शो हो गया, वो जो अपने चैनल के ऊपर मीटअप करते हैं, आपको क्या करना है, उनके मीटअप को कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। सबसे पहले उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जैसे ही वो अपने वीडियोस को डालते हैं सबसे पहले उनके वीडियोस को कंप्लीट वॉच कर लेना है और उसको फटाक से डाउनलोड कर देना है। लेट मत करना है क्योंकि इस कंपटीशन में बहुत लोग है, ऐसे मत सोचिएगा कि अगर वो वीडियो डाल दिए उसके 5 दिन बाद हम वीडियो डालेंगे, तो ऐसा नहीं चलता। उनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आगे मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगा, अभी बने रहिएगा, मैं अभी समझा रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जैसे ही वो वीडियो डालते हैं उसके वीडियो को डाउनलोड करना है और उनके वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। कंप्लीट वॉच करने के साथ आपको अब क्या करना है कि उनके वीडियोज में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे तो जैसे क्वेश्चन कोई भी ऑडियंस होता है कैसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो कोई कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा फनी होते हैं, चाहे बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होते हैं, चाहे बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग होते हैं, आपको सिंपली उन सब क्वेश्चन को अच्छे से कट कर लेना है, ठीक है। एडिटिंग करने के लिए अगर नहीं आता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा जाकर, ये वीडियो खत्म होने के बाद, इसमें मैंने कंप्लीट बताया कि दूसरे के वीडियो को अपना कैसे बनाया जाता है एडिटिंग करके, ठीक है। और उसको अच्छे से एडिट कर देना है, बीच में 1-2 मीम्स लगा देना है, मीम्स लगाने के बाद आपको उनके वीडियोस को अपलोड करना होगा। अब बोलोगे भैया ये वायरल कैसे होंगे, भैया उन दोनों का फेस ही इतना वायरल है कि यूट्यूब का चाहे फेसबुक का एल्गोरिदम ऑटोमेटिक उस वीडियो को सपोर्ट करेगा और अच्छे खासे वायरल हो गए क्योंकि उन दोनों का फेस वायरल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा रीच मिलेंगे और उसमें आप अच्छे खासे अर्निंग भी कर सकती। देखिए जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है, ना ही आपको संदीप महेश्वरी सर कभी कॉपीराइट मारेंगे, ना ही आपको कभी खान सर कॉपीराइट मारेंगे, ना ही आपको कभी विवेक बिंद्रा कॉपीराइट मारेंगे। जिस प्रकार से आपका चैनल चला उस प्रकार से आप रिवेन्यू कमा सकते। सब जितने चैनल आप देख रहे हैं ये सब चैनल उसी ट्रिक का यूज करके, देखिए खान सर पटना के नाम से 1.91 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई, ये कोई खान सर का ऑफिशियल चैनल नहीं है, खान सर के ऑफिशियल चैनल पे 19 मिलियन सब्सक्राइबर है, ये खान सर के नाम से कोई चैनल बना रखे हैं और जो कि खान सर का वीडियो डालते हैं। देखिए देखिए ये सब कोलैबोरेशन, देखिए ये सब जितने भी चैनल है, देखिए इसका चैनल देखिए ना भाई, ये खान सर का कपिल शर्मा का शो वाला वीडियो को डाउनलोड करके सिर्फ डाल दिया, देखिए 19 घंटा में इनके कितने ज्यादा व्यूज आ गए हैं। और देखिए इनके ओरिजिनल वीडियो पे 1-2-3 के ही व्यूज आते हैं और इनके चैनल पे इंस्टेंट सब्सक्राइबर भी बूस्ट हो गए हैं। तो कैसे हुए, इनके चैनल पे स्ट्राइक क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े-बड़े क्रिएटर है वो कभी
कभी स्ट्राइक नहीं मारते। इस ट्रिक का यूज करके आप अपने चैनल को तो प्रमोट कर ही सकते हो, अपने वीडियोज को भी प्रमोट कर सकते हो और उससे आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। दूसरा ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं, इससे आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इससे आप अपने चैनल को तो प्रमोट कर ही सकते हो बल्कि अपने वीडियोज को भी प्रमोट कर सकते हो और इससे आप पैसे भी कमा सकते हो। तो भैया दूसरा ट्रिक के बारे में बात कर ले तो दूसरा ट्रिक है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, चाहे बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, चाहे जो भी हैं, वो अपने YouTube चैनल या फिर किसी भी माध्यम से अगर वो अपने YouTube चैनल पे कहीं पे भी लाइव आते हैं तो आपको क्या करना है, उनके लाइव को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। उनके लाइव को डाउनलोड करने के बाद जब वो अपने वीडियोज में कुछ भी ऐसा फनी, जैसे लाइव चैट में तो चलते रहता है कोई भी सब्सक्राइबर कुछ भी कमेंट कर दिया, तो जब वो उनके रिप्लाई देते हैं तो वो काफी फनी स्टाइल में रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो उनके बातों को अच्छे से डाउनलोड कर लेना है, चाहे वो फनी रहे, चाहे वो मोटिवेशनल रहे, चाहे कुछ भी रहे, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज रहे, उनके बातों को अच्छे से लाइव को डाउनलोड कर लेना है और देन आपको अपने फेसबुक पेज के ऊपर चढ़ा देना है। इसका मैं एक छोटा सा जस्ट एग्जांपल मैं आपको एक पेज के जरिए समझाना चाहता हूं। देखिए एक प्रिया रानी करके ये किन्हीं का पेज है, ठीक है, जिन पे रश्मिका मंदाना जो एक्ट्रेस है पुष्पा मूवी की, जो कि लाइव आए हुए हैं। भैया ये कोई लाइव नहीं आए हुए हैं, ये बल्कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। और देखिए 421 लोग लाइव वॉचिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं से और ये अपने स्क्रीन रिकॉर्ड इनका पेज में दिखा दूं तो इन्होंने अपने पेज के ऊपर एक भी वीडियोस नहीं डाल रखा, इनके 71,000 फॉलोअर्स हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रिक का यूज करके, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए लाइव आते हैं। देखिए इन्होंने एक रील्स डाल रखा है जिसपे 294 के व्यूज आए हैं। भाई एक रील्स पे यहां तो आदमी मर जाते हैं लेकिन उनके व्यूज नहीं आते हैं, ठीक है। और इन्होंने अपने वीडियोज में कुछ नहीं किया है, बस वही बड़ा क्रिएटर जो भी लाइव आते हैं रश्मिका मंदाना उनके लाइव को यूज करके ये अपने पेज पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए लाइव कर देते हैं। अगर आपको ऐसे करने नहीं के लिए आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूंगा। देन ये यही काम करते हैं और देखिए इनके लाइव वॉचिंग भी कर रहे हैं और देन इनको लोग फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद लाइव आने के बाद ये सिंपली उस लाइव वीडियो को डिलीट कर देते हैं जिनसे इनका फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही करके ये अपने फॉलोअर्स को बढ़ा लेंगे, देन अगर फिर ये ओरिजिनल वीडियो डालेंगे चुटकी में वायरल, चुटकी में वायरल, और इनको ओरिजिनल क्रिएटर बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। भाई आप बोलिए ना कि आपको जानकारी का अभाव है, ट्रिक तो इतने हैं कि आप ऑनलाइन मेहनत करके, भाई अगर आप 2-3 घंटा मेहनत करते हो ना तो आप पैसे छाप सकते हो, भाई छाप सकते हो। ट्रिक इससे भी ज्यादा खतरनाक और इससे भी ज्यादा जबरदस्त है। अगर आप इस ट्रिक का यूज करोगे ना, देखो 1.91 मिलियन सब्सक्राइबर, और पता है ये दूसरे की वीडियो डालकर लिए हैं, ये खान सर के वीडियो डालकर लिए हैं, ये कोई खान सर का ऑफिशियल चैनल नहीं है, ये देखिए खान सर का ऑफिशियल चैनल जिसपे 19 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो भैया तीसरा ट्रिक इससे भी ज्यादा जबरदस्त है। तीसरा ट्रिक के अंतर्गत आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ पैसे खर्चे करने होंगे, चाहे तो अगर आपका कोई दोस्त है, चाहे कोई भी है जो कि एग्जाम में कंपटीशन का तैयारी कर रहा है और वो अपने वीडियोस किसी लाइव बैच को परचेज किए हुए, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है कि जितने भी बड़े बड़े टीचर है वो किसी ना किसी ऐप पे लाइव पढ़ाते हैं। अब बोलोगे भैया उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता, उसका ट्रिक तो मैं आगे बताऊंगा ही आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जितने बड़े बड़े टीचर जो कि लाइव पढ़ाते हैं, जैसे खान सर हो गए, राकेश सर हो गए, कोई भी टीचर, ऐसे टीचर जो कि बिल्कुल फनी स्टाइल में पढ़ाते हैं, आपको उनके ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है। ज्यादा पैसा नहीं होता है भैया, 200 से 400 में सब्सक्रिप्शन दे देता है। आपको अब क्या करना है कि लाइव बैच पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो आपको कंटेंट ढूंढने के लिए आपको उनके वीडियोज को देखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई तो मेंटेनेंस होगा ही, अब जहां पे आपको लगे कि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फनी पार्ट है, चाहे ये बहुत ज्यादा नॉलेजफुल है, इसको लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, तब आपको क्या करना है, उसका मोबाइल का ब्राइटनेस फुल कर देना है, देन 1080 में करके आपको एक दूसरा मोबाइल से फुल करके एकदम साइलेंट में उसके स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेना है। स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फोन है, इसमें खान सर का वीडियो चल रहा है, देन दूसरा फोन से ऐसे करके हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे मोबाइल के कैमरा से। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप सिंपली उसको अपना फेसबुक पेज के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके देखिए, यार देखिए
1.9 मिलियन सब्सक्राइबर भाई, इतने तो मेरे भी नहीं है, मैं ओरिजिनल वीडियो बनाता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा। अब इस पर स्ट्राइक नहीं आएंगे क्योंकि वो ना ही कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड रहेगा और ना ही वो कंटेंट अब फेसबुक पे अपलोड रहेगा। तो भैया जब जो चीज फेसबुक पे और यूट्यूब पे ऑलरेडी नहीं है उस पर कौन स्ट्राइक मारने आएगा? स्ट्राइक कौन मारने आएगा, मेरे जैसा बंदा या फिर आपके जैसा बंदा? अगर आप पहले करते हो तो फिर तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले, आप इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। जितना आपका व्यू जाएगा उतना आपका अर्निंग आएगा। अब ये हो गया फायदा का बात, अब बात कर लेते हैं कि इसमें भैया हमको नुकसान क्या क्या है। तो इसमें कभी कभी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं होगा, तब आपको ये तीनों ट्रिक में से दो तीन पेज लेकर चलना होगा। और सबसे बड़ा नुकसान है, इसमें कोई फेस वैल्यू नहीं है और ये कोई लॉन्ग टर्म वर्क नहीं है, ये शॉर्ट टर्म वर्क है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो तो आप इन तीनों में से कोई भी ट्रिक का यूज करके आप पैसे तो कमा सकते हो लेकिन फेस वैल्यू नहीं बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर सलाह दे दूं, आपका सिर्फ काम है ठंडा में चद्दर तान के सोना और 1.5 GB नेट खत्म करना, तो आप इस ट्रिक का यूज करो, इस फील्ड में छलांग लगा। अगर छलांग लगाओगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे भैया। अगर आप गधों की रेस में दौड़ रहे हो ना, सबसे आगे हो ना, तो फिर भी आप घोड़ों की रेस में सबसे पीछे ही रहोगे। लेकिन अगर इसी चीज को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, अगर आप घोड़ों के साथ दौड़िएगा ना तो आप गधों से तो आगे निकल ही जाइएगा। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई वीडियो देखते हो तो कमेंट क्यों नहीं करते हो यार, कमेंट मारो। नहीं कुछ समझ में आता है कम से कम थैंक्स लिख दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।